तो क्या हाल चाल दोस्तों, आज आपके लिए लेके आ गए एक और फ्रेश कमाल वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर आपको फोन की कुछ ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मैं जानता हूँ लगभग 99% लोग बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, अगर जानते होंगे तो उसको यूज करना नहीं जानते होंगे। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर 13-14 दिनों से वीडियो नहीं आ रही है, और वीडियो का कारण यही है कि मेरे चैनल के ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है और साथ में ही मेरे अभी पेपर्स वगैरह का टाइम चल रहा है, इसलिए मैं ज़रा यूट्यूब के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। सो गाइस, इस बात को अगर इग्नोर करते हो आप तो कर लीजिए प्लीज़, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आपको सेटिंग के अंदर जाके करनी है, और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है ज़्यादातर फ़ोनों में ये वर्क करे। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने सेटिंग के अंदर चले जाना है, और सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। जी हाँ, आपको यहाँ पे गेस्चर सर्च कर देना है, और यहाँ पे जैसे ही आप गेस्चर सर्च करेंगे वैसे आपके पास यहाँ पे नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे गेस्चर लिखा हुआ आ गया है, गेस्चर एंड मोशन, स्वाइप गेस्चर फ्रॉम बोथ साइड, ऐसे करके यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वाले पे सबसे पहले जाते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद आपका यहाँ पे ये यहाँ पे 3-4 ऑप्शन और आ जाएंगे। यहाँ पे आपका यहाँ पे लिखा होगा, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा स्क्रीन ऑफ गेस्चर, स्वाइप अप डाउन 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट वगैरह, ऐसे ऐसे करके आपके पास ऑप्शन होंगे। तो सबसे पहले आपका इसके अंदर मेन सा फीचर यही है कि आप इसके मदद से अपने फ़ोन के अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्टकट चीज़ें रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बंद स्क्रीन के ऊपर अगर वी लिखेंगे तो आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी, अगर आप उसके ऊपर 2 फिंगर्स ऐसे को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपके वहाँ पे गाना चल पड़ेगा, और ऐसे करके आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप वहाँ पे डबल टैप करोगे स्क्रीन के ऊपर तो स्क्रीन ऑन हो जाएगी, ऐसे करके आपको बहुत ही ज़्यादा फीचर आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप 2 फीचर को अनलॉक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट ऑप्शन यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने ऑन ही रखा है, और यहाँ पे टच एंड होल्ड विद 3 फिंगर टू टेक स्क्रीन शॉट, यहाँ पे ये वाला एक ऑप्शन है, इसके अंदर इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे मेरे पहले से ही ऑन है। और यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है वो एक मेन ऑप्शन है, वहाँ पे लिखा है स्क्रीन ऑफ गेस्चर, मतलब जैसे कि अगर आपके फ़ोन की स्क्रीन बंद होगी तब भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया वी आपको करना है और उसके बाद आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी, कुछ इसी टाइप का इधर है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3-4 ऑप्शन होंगे आपके, यहाँ पे सभी बंद होंगे, आप यहाँ से डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 वाला ऑप्शन है डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, यहाँ पे मैंने जो पहले बताया था आपको डबल टैप करना है आपके बंद स्क्रीन के ऊपर, मतलब जैसे भी आपकी स्क्रीन डबल टैप करना है और आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी, तो यहाँ पे सिंपली आप उसको ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है ड्रॉ ओ टू ओपन कैमरा, मतलब अगर आप अपना फ़ोन का कैमरा ऑन करना चाहते हैं वो भी बिना फ़ोन को ऑन किए हुए, तो सिंपल सा लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको ओ लिखना है और उसके बाद आपका डायरेक्ट कैमरा ओपन हो जाएगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया वी लिखने से फ्लैश लाइट ऑन होती है, तो वो वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अब नीचे आता है म्यूज़िक कंट्रोल वाला ऑप्शन, जिसके अंदर आप अब अपना म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो सिंबल्स वगैरह दिए हैं इन सिंबल्स को अगर आप ड्रॉ करोगे तो आप गाने को रोक सकते हैं, उसको आगे पीछे कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और 500 सब्सक्राइबर के ऊपर मैंने एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा गिव अवे रखा है, गिव अवे के वीडियो के बारे में पता नहीं है तो वो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसके ऊपर जाके जल्दी से वीडियो को चेक कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं गिव अवे में। तो यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा ऐड गेस्चर, इसके ऊपर आप सिंपल से जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे, अप स्लाइड डाउन स्लाइड लेफ्ट स्लाइड राइट एंड ड्रॉ डब्ल्यू, तो ऐसे करके आप बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ जाएंगे, और इनके ऊपर क्लिक करके आप किसी भी ऐप को सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट ऐप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं किसी भी एक ऐप को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे म्यूज़िक को सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं स्वाइप अप करूँगा अपनी लॉक स्क्रीन के ऊपर वैसे ही मेरे म्यूज़िक वाले ऐप ओपन हो जाएगी। इस टाइप से आप किसी को भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डब्ल्यू के ऊपर मैं किसी ऐप को रखना चाहता हूँ तो वैसे करके इसके अंदर रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, यही आपको एक बहुत ज़्यादा हिडन फीचर के बारे में बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आने वाला हूँ, और एक ऐसी ट्रिक भी लेके आने वाला हूँ जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी फ़ोन चलाने में, या फिर आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको किसी भी चीज के ऊपर, फोन से रिलेटेड किसी भी चीज के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। आज का लाइक हम रखते हैं 20 लाइक्स।